स्कूल तो बनवाने चाहिए। ये चाहते हैं कि कोई पढ़े लिखे ना और वो गवारी रहे, जैसा हम उनको बताते हैं वो वैसा ही माने, वो ये चाहते हैं। क्या कर दिया उन्होंने जो अच्छा हो गया? कहाँ से भारत अच्छा दिख रहा है? डिजिटल भारत हो गया है। नहीं, हमें तो कहीं से नहीं लगता। राम मंदिर बना दिया। अच्छा एक बात कहती हूँ, कहीं स्कूल बनवाया? अच्छा सरकारी स्कूल और बंद कर दिए हैं, ज्यादा से ज्यादा इतने सारे स्कूल थे वो स्कूल बनवाया कोई? अच्छा राम मंदिर बनवा दिए, ये वाला मंदिर बनवा दिया, वो मंदिर बनवा दिया, लेकिन आज तक कोई अच्छा स्कूल बनाया जहाँ बच्चा आराम से पढ़ सके? ठीक है, पहले तो जो हमारी दीदी को किसी को भी न्याय नहीं दिलवा पा रहे हो, तो आप कहाँ से अच्छे हो? लोग कहते हैं ये अच्छे हैं वो अच्छे हैं, मोदी सरकार कहाँ से अच्छी दिख रही है? मुझे तो कहीं से नहीं अच्छी दिख रही है। भीम आर्मी भारत के संविधान के अकॉर्डिंग चलती है, और जो संविधान के अकॉर्डिंग चलता है वो कभी हार नहीं सकता है, हमेशा वो के लिए लड़ता है। ये संविधान के अकॉर्डिंग चल रहा होता तो आज हमारी दीदी कब तक न्याय मिल चुका होता? आज सरकार चूं से मुंह नहीं कर रही है कि हाँ इनको क्या ये तो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं वर्ल्ड पे, और आज ये बेटियों की नहीं सुनी जा रही है, तो ये तो आम बेटी है आज ये। बिल्कुल बिल्कुल सही है। आज जो भी मैं यहाँ बैठी हूँ, आज मैं इतने अच्छे कपड़े पहन कर भी बैठी हूँ, वो मेरे बाबा साहब ने मुझे अधिकार दिया, वरना आज अगर मेरे बाबा साहब नहीं होते तो मैं आज कहीं की भी नहीं होती। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। आपको लगातार मैंने एक खबर से रूबरू कराया है कि किस प्रकार से जंतर मंतर पे पहलवान धरना दे रहे हैं, लगभग एक महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी आश्वासन नहीं मिला है। खाप पंचायत से लेके भीम आर्मी के लोग यहाँ पे आ रहे हैं पहलवानों के समर्थन में। अभी मेरे साथ एक बच्ची है, इनसे बात करेंगे। वैसे तो आपको इनके पोशाक से लग रहा होगा कि ये भीम आर्मी से हैं। हाँ जी। कहाँ से आई हैं? गाजियाबाद। क्यों आई हैं यहाँ? यहाँ पर हम दीदी का समर्थन करने आए हैं और दीदी को सपोर्ट करने आए हैं। सपोर्ट क्या हुआ इनके साथ? दीदी जो हमारे ये मोदी जी हैं, सरकार जो है मोदी जी, इनके जो सांसद ब्रजभूषण है, इन्होंने हमारी दीदी का शोषण किया है, तो हमारी दीदी अपना न्याय के लिए यहाँ समर्थन कर रही है। इसलिए देखिए, अगर आज मैं उनको उनका समर्थन करने आती हूँ तो वो सुरक्षित रहेंगी और मैं भी सुरक्षित रहूँगी और मेरा आने वाला समय भी सुरक्षित रहेगा, और वहीं साथ साथ मेरी जो भारत की बहन है वो भी सुरक्षित रहेंगी। तो विश्वास नहीं है कानून पे? कानून पे विश्वास है लेकिन सरकार पे नहीं। सरकार पे विश्वास नहीं है? सरकार तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है। अगर वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते तो आज ये सब नहीं हो रहा। तो आज दीदी हमारी दीदी यहाँ पर समर्थन नहीं कर रही होती, इतनी कड़ी धूप में इतनी गर्मी में यहाँ पर दीदी समर्थन नहीं कर रही होती अगर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सच होता तो। नहीं है। एक पहले तो ये बताइए कि भीम आर्मी से आप जुड़ी हैं, क्या है ये हमारे जनता को बताइए। आप इतनी छोटी सी हैं और भीम आर्मी में कैसे कैसे क्या रहा? भीम आर्मी भारत के संविधान के अकॉर्डिंग चलती है, और जो संविधान के अकॉर्डिंग चलता है वो कभी हार नहीं सकता है, हमेशा वो सत्य के लिए लड़ता है। भीम आर्मी हमेशा सत्य के लिए लड़ती है, जहाँ किसी के साथ गलत हो रहा है उनको अधिकार दिलाने के लिए, उनको न्याय दिलवाने के लिए उनका साथ देती है, उनका समर्थन करती है। जैसे हमारे बड़े भैया हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी। हाँ जी, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी को आप जानती हैं? हाँ जी हाँ जी। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी भी यहाँ पे वो बोल रहे थे हम लगातार रहेंगे, और वो आ भी रहे हैं लगातार। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने संविधान की बात कही, अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इतने बड़े लोग जो पूरे विश्व पटल पे भारत का नाम रोशन कर चुके हैं वो लगभग एक महीने से यहाँ पे हैं और इनको नहीं मिल रहा है न्याय, क्या लग रहा है संविधान कहीं ना कहीं खतरे में? संविधान लग रहा है संविधान से चल रहा है देश? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जैसे मोदी जी हमेशा कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, देश बहुत अच्छा नाम भी कर रहा है, आपको लग रहा है देश हमारे पूरे विश्व में नाम कर रहा है? मुझे तो नहीं लगता है, हमारे भारत के संविधान के अकॉर्डिंग तो नहीं चल रहा है। वैसे मुझे तो कहीं से नहीं चल रहा है ये। आज अगर हमारी दीदी अगर ये संविधान के अकॉर्डिंग चल रहा होता तो आज हमारी दीदी कब तक न्याय मिल चुका होता? आज सरकार चूं से मुंह नहीं कर रही है कि हाँ इनको क्या न्याय नहीं दे रही है, क्या दिक्कत है ये सरकार के, क्या चल रहा है सरकार अभी? वैसे मोदी जी विदेशों से रिश्ते मजबूत कर रहे हैं, आपको तो पता ही है। सरकार ने
मैं तो अभी एक महीने से ट्वीट भी नहीं किया है। अब ये बहने हमारी जो बैठी हैं ओलंपिक जीत के इंटरनेशनल गोल्ड मेडल लेके आई हैं, जब ये बहने भारत का नाम रोशन करके आई, जब हमारे भारत जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्पेशल बोले तो हमारी बेटियां हैं, हमारी परिवार की बेटियां हैं, जब सेल्फी लेने के लिए हमारे जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं सेल्फी लेने के लिए एक दो घंटे इंटरव्यू चलाया, पूरे लाइव दिखाया, आज हमारी ये बेटियां, हमारी जो बहनें हैं आज ये इनके साथ इन्हीं की पार्टी के जो सांसद ब्रजभूषण है आज ये वो बेटियों के साथ कुछ गलत किया, हरासमेंट वगैरह किया, तो आज ये अपनी ही पार्टी के लिए एक ट्वीट करना, उन्हें बहुत एक ट्वीट भी कर सकते हैं बेटियों के पक्ष में, आज वो भी नहीं किया जा रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि 15 रुपए का मेडल है वो क्यों वापस करेंगे, जो पैसे मिले पुरस्कार में करोड़ों रुपए वो वापस करो। पैसे क्या सरकार ने दे दिया है क्या, उनकी कामयाबी पे उन्होंने वो जो आप बताइए ना, सरकार ने पैसा दे दिया है, अगर कामयाबी हुई है तो वहाँ के गवर्नमेंट और जनता ने पैसा दिया है। अभी प्राइम मिनिस्टर हैं तो ये क्या डायरेक्ट हमारे जैसे जनता ने चुना है जब इस प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जब ये जनता की, अब ये तो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं वर्ल्ड पे, और आज ये बेटियों की नहीं सुनी जा रही है, तो ये तो आम बेटी है, आज ये बेटी आज यहाँ पर आई। डर भी लगता है आपको? अभी लगता है कि जब इनके साथ हो सकता है तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है? हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन हम अपनी दीदी को न्याय दिलवा के रहे। आपकी बेटी है? ये मेरी बेटी है। किस तरीके से इनको भीम आर्मी के बारे में इतने कम उम्र में आपने बता दिया और ये जानती भी है, क्या जर्नी रहा है? मैडम रियल में ये हमारे बच्चे हैं, इन्हें हम वही चीज़ दिखाते हैं जैसे हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, बाकी रियल में जो अपने भारत हमारा जो आज़ाद हुआ था इसमें कितने हमारे जो महापुरुष लोग थे उनके इतिहास पूरा इनको बताते हैं हम, और बाकी जो आज का वर्तमान में जो चल रहा है तो इसमें हिसाब से मेरे साथ जो भारत का संविधान उसके साथ तो कुछ नहीं चल रहा है, सब तानाशाही जो सरकार है ना वो अपने चला रही है। मैंने पहली बार देखा है, ऐसे तो ब्राह्मणों की बेटी और ब्राह्मण लोग ज़्यादा बोलते हैं, पहली बार देखा है कि कोई दलित अपनी बेटी को और किसी दलित की बेटी इस तरीके से बोल पा रही है। ये संविधान ही है, ये बाबा साहब का काम है जो आज लोग इतने उभर हैं। आपको लग रहा है ना कि जिस प्रकार से आज आप अपनी बच्चियों को बोलने का मौका दे रहे हैं कहीं ना कहीं बाबा साहब नहीं होते तो आज नहीं बोलते? बिल्कुल बिल्कुल सही है, आज जो भी मैं यहाँ बैठी हूँ, आज मैं इतने अच्छे कपड़े पहनकर भी बैठी हूँ वो मेरे बाबा साहब ने मुझे अधिकार दिया, वरना आज अगर मेरे बाबा साहब नहीं होते तो मैं आज कहीं की भी नहीं होती। आज इतनी बात की बेटियाँ हैं, जो बेटियाँ आज ये ओलंपिक मेडल लेके आ रही हैं, जो बेटियाँ आज अब अच्छे अच्छे जगह देख लो मेट्रो प्लेन से सारा कुछ, जो आज हमारी देश की बेटियाँ हैं जो आज मान सम्मान देश का नाम रोशन कर रही हैं, सब ये हमारी महापुरुषों की देन है और मेरे बाबा साहब की देन है जो अधिकार आज बेटियों को मिले। आज जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल में, आज हम अच्छी तरह से बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो मेरे बाबा साहब के वजह से, बाबा साहब जी के वजह से और किसी के वजह से नहीं। किसी ने हमें अधिकार नहीं दिया कि तुम ये करो, हमारे जो अधिकार हमें दिलवाया वो हमारे बाबा साहब ने दिलवाया। राम और बाबा राम कौन थे? बिल्कुल नहीं। क्या कहेंगी अभी उन लोगों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो राम और राम को मानती हैं, और या फिर वो तो अपनी अपनी आस्था की बात है, क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से दलितों के साथ शोषण हुआ इसके बारे में आपको मालूम है? जी जी, एक दलितों के साथ शोषण जो हुआ है, लड़कियों के साथ जो शोषण हुआ था, छुआछूत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबकी अलग अलग श्रद्धा होती है, मेरी तो श्रद्धा नहीं है इन सब में। हमारे घर मेरे पापा की भी नहीं है श्रद्धा, ना मेरी है, ना मेरी मम्मा, ना मेरे भाई, किसी की श्रद्धा नहीं है इन सब में। आप लोग बाबा साहब? हाँ बाबा साहब और हमारे जो बहुजन महापुरुष हैं उनको। तो क्या कहेंगी इन बेटियों के लिए, लगभग एक महीने हो गए और न्याय मिल कुछ भी आश्वासन नहीं मिल रहा है इनको, क्या कहेंगे? मैं कहूँगी कि देखिए आज 21 तारीख है, हमारे चंद्रशेखर आजाद जी इन्होंने वार्न कर दिया था कि हमें तुम हम तुम्हें 21 तारीख तक बस मोहलत देते हैं कि अगर तुम फैसला सुना देना 21 तारीख तक, वरना 22 तारीख को बहुत गंदा हंगामा होगा। तो करेंगे 22 तारीख को? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी दीदी को न्याय क्यों नहीं दे रहे हैं, हम तो करेंगे। कहती बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है, कहाँ से कर रही है, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जो अच्छा हो गया, कहाँ से भारत अच्छा दिख रहा है, डिजिटल भारत हो गया है? नहीं हमें तो कहीं से नहीं लगता, मुझे तो लगता है और बेकार हो गया है। और क्या
पता नहीं क्या क्या तो अब तक बेच चुके हैं ये। बहुत गुस्सा है सरकार को लेकर, बहुत ज्यादा भाई। और सबसे ज्यादा किस बात पे गुस्सा आता है सरकार के, किस काम की वजह से? मुझे इस काम के वजह से, आप ऐसा क्या कर रहे हैं, हमारी दीदी को न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं आप ठीक है, पहले तो जो हमारी दीदी को, किसी को भी न्याय नहीं दिलवा पा रहे हो, तो आप कहाँ से अच्छे हो? लोग कहते हैं ये अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, मोदी सरकार कहाँ से अच्छी दिख रही है? मुझे तो कहीं से नहीं अच्छी दिख रही है। जिन लोगों के करते रहे हाँ, और जाति पाति करते रहे हैं, ये ऐसे अच्छे हो रहे हैं ये, ना कि बल्कि जो अच्छे काम होते हैं उनके अकॉर्डिंग तो मुझे कहीं से अच्छे लग रहे हैं। मुसलमानों की छुरी टाइट कर दी है, पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, चाइना थर थर कांप रहा है, विदेशों से रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। आपको नहीं लगता मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? मुझे राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर बना दिया। अच्छा एक बात कहते, कहीं स्कूल बनवाया? अच्छा सरकारी स्कूल और बंद कर दिए हैं, ज्यादा से ज्यादा इतने सारे स्कूल थे वो स्कूल बनवाया कोई? अच्छा राम मंदिर बनवा दिया, ये वाला मंदिर बनवा दिया, वो मंदिर बनवा दिया, लेकिन आज तक कोई अच्छा स्कूल बनाया जहाँ बच्चा आराम से पढ़ सके? तो क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से, स्कूल भी बनवाओ? स्कूल तो बनवाने चाहिए, ये चाहते हैं कि कोई पढ़े लिखे ना और वो गवारी रहे, जैसा हम उनको बताते हैं वो वैसा ही माने, वो ये चाहते हैं। देख सकते हैं सबसे बड़ा सवाल और जवाब भी इस बच्ची ने दिया है आजकल, जब इतनी छोटी सी बच्ची है। क्या उम्र है आपकी? 10। और नाम क्या है? नीसू। नीसू है और गाजियाबाद से आई है, और इन्होंने कहा है कि सरकार ये चाहती है कि हम जब पढ़े ही ना, और जब पढ़ेंगे नहीं तो हमें सही और गलत का अंदाजा नहीं रहेगा। और इनको सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का है कि मोदी जी न्याय नहीं दे रहे हैं, सरकार इस बेटियों के मुद्दे पे बात नहीं कर रही है। आपकी इस पूरी खबर पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? इतनी छोटी सी बच्ची है, भीम आर्मी से जुड़ी हुई है और बहुत समझदार हैं ये, पढ़े बाबा साहब को मानती हैं, और हम लोग बहुजनों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, तो हमने सोचा मैं इनसे बात करूं, और बात करके बहुत अच्छा लगा। आप लोग इनकी बातचीत, हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दी।